नमस्कार, मेरा नाम राहुल कुमार कुशवाहा। आप देख रहे हैं आरडी एडवेंचर का यूट्यूब चैनल। तो आज मैं हूँ अमदौरा रेलवे स्टेशन पे, जो ऊना हिमाचल प्रदेश का रेलवे स्टेशन है। यह रेलवे स्टेशन ऊना हिमाचल से 10 किलोमीटर आगे है। इस रेलवे स्टेशन पे पहली बार वंदे भारत का परिचालन 13 अक्टूबर 2022 को चालू हुआ था। उसके बाद इस ट्रेन को आगे की तरफ आज 19 अक्टूबर 2022 से 1 बजे दिन से डिपार्चर करके चालू किया जाएगा। यह ट्रेन अमदौरा रेलवे स्टेशन पे दोपहर 1 बजे से निकल के नई दिल्ली के लिए प्रस्थान करेगी। यह ट्रेन 1:21 पे ऊना रेलवे स्टेशन पहुंचती है। उसके बाद नागलबंद पे ट्रेन का टेक्निकल पड़ाव होता है, जो हॉल्ट होता है। उसके बाद अनंतपुर साहिब 2:08, फिर 3:25 चंडीगढ़ जंक्शन, 4:13 अंबाला रेलवे स्टेशन, देन शाम को 6:25 पे यह ट्रेन दिल्ली पहुंचती है। और चलते हैं, इस ट्रेन को हम एक्सप्लोर करते हैं कि इस ट्रेन में सीसी जो चेयर क्लास है उसमें क्या फैसिलिटी अवेलेबल कराई जाती है। तो चलिए आगे वीडियो में मैं दिखाता हूँ सीसी चेयर क्लास वंदे भारत अब अमदौरा नई दिल्ली। जी हाँ, हिमाचल प्रदेश का रेलवे स्टेशन, यहाँ पे टाइम है 1:25 पे और फिलहाल हो रहा है 1:22। उतरना खतरे से खाली नहीं है, वो आपको पता है, क्योंकि अभी ट्रेन छूटते बच गई। ये ऐसा रूट है जहाँ पे हमें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि यहाँ कहाँ जाना है नहीं जाना है, तो इसलिए उतरना तो खतरे से खाली नहीं है। बट मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जिस स्टेशन पर जाना है उस स्टेशन पर उतरे। चलिए आगे दिखाते हैं ऊना के बाद कहाँ ट्रेन रुकती है। तो फिलहाल मैं बात कर रहा था नागल डैम की। यह है नागल डैम रेलवे स्टेशन, और जो कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे टेक्निकल हॉल्ट के कारण ट्रेन को रोका जाता है। सामने एक गार्ड है जो ग्रुप डी करके आए होते हैं, और यहाँ पे नागल डैम पे ना टेक्निकल के लिए वर्क तो रोका जाता है, बट इसके आगे ना एक बहुत ही खूबसूरत और जिसे कहते हैं प्यारा डैम देखने को मिलता है। जिस हिसाब से इस डैम को बनाया गया ना, उसका पानी का भी कलर एकदम लाजवाब है, बट टॉप क्लास के इसके हैं। तो चलिए आगे और दिखाता हूँ और क्या होने वाला है। अभी हमें फ़िलहाल एक पानी की बोतल दे दी गई है, और टाइम हो चुका है 1:45 हो चुके हैं ट्रैवल करते करते। जितना टाइम 45 इसमें लगे इस ट्रेन को, ये दूसरे रूट पर होती तो अप्रॉक्सीमेट 160-170 किलोमीटर से ऊपर का क्रॉस कर चुकी होती डिस्टेंस। बट रूट थोड़ा सा अलग है, तो यहाँ थोड़ा स्लो ही चल रही है ट्रेन है। तो चलते हैं आगे, देखते हैं भाई। टाइम हो गया 2:26 और फिलहाल रेलवे स्टेशन आने वाला है चंडीगढ़, और मुझे खाना तो दे दिया गया। खाना मेरा मैंने बुक किया था नॉनवेज में एक चिकन आइटम है, एक आलू गोभी, दाल, राइस में जैसे काजू देखने को मिलता है, क्लासिक दही और रोटी, ये सारी आइटम है मुझे मतलब एक फूड में दिया गया है जो राजधानी का है। मैं खाना खा के और ट्राई करके बताऊँ तो कैसा है। टेस्ट की बात करूँ तो टेस्ट तो सही लग रहा है, क्योंकि ये सारा खाना चढ़ा था मेरे ख्याल से दिल्ली में, क्योंकि यहाँ तो पानी स्टॉक करने का जगह नहीं है। खाना तो बढ़िया लग रहा है, चलिए खाना को एंजॉय करते हैं, मिलते हैं आगे अगले स्टॉप पे, देखते हैं क्या हमारे लिए तैयार कर। लंच ख़त्म होने के बाद अमूल मिल्क का आइसक्रीम आ गया, और कुछ इस तरीके का व्यू रखा है बाहर का। और टाइम बता दूँ तो 2:45 हो गए, और नज़ारा कुछ इस तरीके का है ना, क्या होता है, दिल खुश हो जा रहा है। और
चलते हैं, अब आइसक्रीम को एंजॉय करते हैं। आपको भी खाना है तो एक बार सफ़र करो, फिर मिलेगा आइसक्रीम। तो गाइज हम अंदौरा रेलवे स्टेशन से हम पहुंच चुके हैं नई दिल्ली, जो वहां से ट्रेन निकली थी 1 बजे और यहां की टाइम है 6:25 पे, जो अभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को पहुंच चुकी है और ये प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे लगाई जा चुकी है। ये फिर अगले दिन सुबह 5:50 पे नई दिल्ली से अब अंदौरा के लिए निकलेगी। तो वीडियो कैसी लगी मेरे को कॉमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर, क्योंकि आपके कमेंट करने से ही हमें आगे वीडियो शूट करने का मौका मिलता है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। मैं राहुल कुशवाहा, आरडी एडवेंचर। थैंक यू, बाय बाय।